हाय दोस्तों, अभी जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ ना, 2 BHK की प्रॉपर्टी है। ये प्रोजेक्ट का नाम है संकेश्वर अपार्टमेंट। ये मलाड ईस्ट में बना हुआ है, हाईवे से बिल्कुल लग के ही है, नज़दीक ही है, हाईवे से 5 से 7 मिनट का रास्ता है। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। और ये जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ, ये 685 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है। ये आपको मलाड ईस्ट में संकेश्वर अपार्टमेंट, नवकार डेवलपर। नवकार का अपना एक बहुत ही बढ़िया नाम है इसका, इस बिल्डर का। काफ़ी सारा प्रोजेक्ट इन्होंने डेवलप किया है मलाड से लेके अंधेरी तक। इसके लिए मैं ये जो, और इसका प्राइस काफ़ी बढ़िया है, प्राइस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं क्या रहेगा। अभी मैं शूट करते करते, ये इसका किचन है। किचन भी कितना स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। बहुत रेयर बिल्डर इतना स्पेशियस किचन वगैरह देते हैं। और 19 माले की बिल्डिंग है ये, 9th स्टोरी टावर है। ये इसका पैसेज है। अभी हमने किचन देखा, किचन से जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको कॉमन वॉशरूम मिलता है। कॉमन वॉशरूम भी प्रॉपर एक स्पेस दिया है इन्होंने। इसमें एक छोटा फ्लैट भी है, 2 BHK का कारपेट एरिया, उसका 500 स्क्वायर फुट है, तो वो आपको इससे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। मैं आपको ये पहला बेडरूम दिखा रहा हूँ, जो कि मास्टर बेडरूम है। उसके बाद फिर मैं दूसरा बेडरूम आपको दिखाता हूँ। ये मास्टर बेडरूम इसका काफ़ी बड़ा स्पेसियस है। जनरली इतना बड़ा बेडरूम बिल्डर नहीं बनाते हैं। अभी मैं कितना, ये जो स्पेसियस की बात कर रहा हूँ ना एग्जैक्ट, अभी मैं कैमरे में आपको समझ आए या नहीं आए, ये तो आप एग्जैक्ट आके देखेंगे तो आप इसका साइज समझ पाएंगे जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। और अभी इसका दूसरा बेडरूम मैं दिखाता हूँ, जो दूसरा कॉमन बेडरूम है। इसका जो पैटर्न है ना, वो इसी टाइप का ही है। तो ये जो हर एक प्रोजेक्ट का मैं आपको वीडियो लेके आता हूँ ना, इससे आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि फ्लैट का कंसेप्ट क्या है, क्या इसका डायरेक्शन वगैरह, पैटर्न वगैरह क्या है। तो आपको समझना बहुत आसान हो जाता है कि फ़्लैट आपके चॉइस का है तो ख़रीदने के लिए आप हमें फ़ोन करें, फिर हम आपको परचेस करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे नेगोशिएशन करते हैं, कैसे बॉटम प्राइस में डील करते हैं, वो सारे प्रोसेस में हम आपको हेल्प करते हैं। कि फ़ाइनल प्राइस क्या होता है, बिल्डर का आस्किंग प्राइस क्या होता है, वो आपको पता नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें आपको मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करती है। कुछ भी डिटेल भी चाहिए ना तो भी आप हमें फ़ोन करें, परचेस करना हो तो फ़ोन करें, डिटेल भी चाहिए तो भी आप हमें फ़ोन करें। हम लोग बिल्डर के पेरोल पे ही काम करते हैं, तो आपको कोई भी चार्जेस अलग से पे करना नहीं पड़ेगा। ये इसका पैसेज है, और ये पूरा का पूरा बिल्डिंग का एलिवेशन है। इसमें इसका रेरा नंबर दिया हुआ है, रेरा नंबर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी चलता हूँ, इसका दूसरा फ्लैट दिखाता हूँ। कुछ भी डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से ले सकते हैं और फ़ोन करें। कुछ भी समझना हो, कुछ भी जानना हो तो फ़ोन करें आप। अभी जो मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ ना, संकेश्वर अपार्टमेंट का, बाय नवकार डेवलपर, मलाड ईस्ट, 19th स्टोरी टावर है ये। इसका ना 1-1 का जोड़ी बनाया हुआ है, ये बीच से ये वॉल निकाला हुआ है, जो आप कॉलम देख रहे हैं यहाँ पे निकाला हुआ है। तो 1-1 का जोड़ी जो इनका बनता है, ये काफ़ी अच्छा इसका मैच दिया हुआ है, प्रॉपर स्क्वायर में आपका फ्लैट बन जाता है। ये मैं आपको वन साइड से दिखा रहा हूँ, एक साइड में आपको फ्लैट दिखाता हूँ, जस्ट इसके मिरर दूसरा साइड है। तो आप वन साइड देखें, आप समझ पाएंगे कि 1-1 का जोड़ी किस टाइप का बनने वाला है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है।
कॉमन वॉशरूम है, और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कॉमन वॉशरूम पर। जब आगे आप आते हैं तो वन वन का जोड़ी आप जब बनाते हैं तो दो किचन तो आप रखेंगे नहीं, तो आपको वो 3 BHK बन जाता है, या ये कह सकते हैं एक किचन अगर थोड़ा छोटा हो तो 2.5 BHK बन जाता है, जिसमें दो आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है और एक हाफ जो किचन है, किचन को भी, ये किचन एरिया है जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये वन वन का जोड़ी बना दिया है तो एक किचन उस तरफ रहेगा, दूसरा किचन को भी हाफ बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है, इसमें प्लेटफॉर्म इन्होंने नहीं लगाया है। तो वन वन का जोड़ी हो या टू टू का जोड़ी हो, तो वन वन का जोड़ी जब टूटता है तो 3 BHK बनता है, और टू टू का जोड़ी जब बीच का वॉल निकालते हैं तो वो 4 BHK की फ्लैट ना बन के वो 5 BHK बन जाता है, क्योंकि किचन भी एक बेडरूम में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे काफ़ी सारे प्लान्स आपको देखने को मिलता है, तो ये मैं वन साइड का 1 BHK आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि फ्लैट का पैटर्न क्या है। डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, और फ़ोन करें कुछ भी और डिटेल जानना हो। 19 माले का टावर है ये। वैसे तो जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ, और भी कुछ डिटेल जानना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें, मैं और मेरी टीम पूरी हेल्प करेंगे आपको। डिटेल भी जानना हो तो भी, प्रॉपर्टी अगर परचेस भी करना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें, ये दोनों परिस्थितियों में हम आपकी हेल्प करेंगे। प्रॉपर्टी दिलाने में, डिटेल समझाने में, हम लोग बिल्डर के पेरोल पे ही काम करते हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। ये इसका किचन है, उस तरफ आपने देखा कि किचन को इन्होंने ब्रेक कर दिया था प्लेटफॉर्म को, और 1 BHK 1 BHK की जोड़ी इन्होंने पेयर कर दिया है। तो ये इसका किचन का कंसेप्ट है प्लेटफॉर्म का, उसके बाद ये मास्टर बेडरूम है। तो ये इसमें 3 BHK आपको बन जाता है जब आप 1 और 1 BHK को तोड़ के एक कर देते हैं। तो मैं विंडो के साइड से आपको पूरा बेडरूम दिखा रहा हूँ, वॉशरूम दिखा रहा हूँ। अभी ये मैंने आपको 1 BHK 1 BHK की जोड़ी दिखाया, काफ़ी बड़ा वास्ट हो जाता है ये, काफ़ी बड़ा फ्लैट हो जाता है ये, दोनों को तोड़ के जब आप एक करते हैं। 19 माले का टावर मालाड ईस्ट में, संकेश्वर अपार्टमेंट बाय नवकार डेवलपर। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप फ़ोन करें कुछ भी और भी डिटेल जानना हो तो। दोस्तों ये नवकार, जो मैं आपको संकेश्वर टावर के बारे में बता रहा हूँ, ये बिल्डिंग उसका इतना रेडी हो चुका है, एलिवेशन इसका, और ये इसका एंट्रेंस लॉबी है, बट अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। मैं आपको एक अंदाज़ा दे दूँ कि यहाँ पे कितना बिल्डिंग बन चुका है, और ये आप, ये इसका मेन एंट्री है जहाँ से आप प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। पीछे इसका पार्किंग दिया हुआ है, पोडियम, और ये सामने से इसका एलिवेशन है दोस्तों।